वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग ड्रीमी डिवाइन में। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कि इन्हें इस्लाम अपनाकर क्या मिला। पहले ये नॉन मुस्लिम था, तो देखते हैं वीडियो में क्या दिखाते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या हुआ, बच्चा बिच्चा कुछ होता है कि नहीं, क्या इस्लाम अपना के क्या मिला, ऐसा बोलते थे। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि ये इस्लाम ये सब छोड़ दो, घर पे आ जाओ। तो बोला नहीं मम्मी, नहीं जमेगा मेरे को, मैं आप लोग को छोड़ सकता हूँ, मेरे को कितना दुख हुआ होगा। सबसे बड़ा वही करिश्मा, अल्लाह का करिश्मा। मैं पहले मानती थी सब करके क्या मिला तेरे को, मस्जिद मदरसा भी नहीं बना पा रहा हूँ। हाँ। ये सब भी रुका हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं हूँ अपनी अम्मी के साथ, देख सकते हो मेरी अम्मी मेरे साथ हर वक्त रहती है। हाँ। और हर वक्त मेरे सपोर्ट में रहती है। तो आज कुछ जरूरी बातें करने वाला हूँ। एक छोटा सा आप ब्लॉग समझ कर ये वीडियो देखिए, क्योंकि काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर देख रहे हो मुझे, ठीक है। आपको वो मेरे दोनों ही नाम पता है, उमेश भी और इम्तियाज़ भी, ठीक। और आप जानते ही हैं मेरी अम्मी मुझसे नाराज़ थी कि मैं कैसे इस्लाम अपना सकता हूँ। और काफ़ी कुछ हुआ, ऐसे नहीं है कि इतने आसानी से मैं अपनी माँ से मिल पाया हूँ। ये तो बहुत लंबा सफ़र था। तो कुछ ऐसी बात आज रखने जा रहा हूँ जो बेहद ज़रूरी है मेरे कामकाज को लेकर। आज मेरी माँ ने मेरा कामकाज छुड़वाया है, मैं तो जिससे कर रहा था, लेकिन मेरी माँ चाहती है कि मैं सही सलामत रहूँ। तो ड्राइवर का जॉब मैंने छोड़ दिया, ड्राइवर का काम मैंने छोड़ दिया। क्यों ऐसा हुआ वो तो आपको मेरी माँ बताएगी, सुन लीजिए। अभी मेरा बेटा भी बहुत फेमस हो गया है सोशल मीडिया पे, सब पूछते हैं कि यूट्यूब पे काम करता है, सब आते सेल्फी दो करते रहते। सेल्फी मतलब फोटो, फोटो खिंचाते हैं साथ में, खिंचाते हैं। कहीं घूमने सीखता है अभी मेरा बेटा, इसलिए मैं बोले काम छोड़ दे और अपना कुछ भी बिजनेस कर लेना, कुछ भी मतलब ना घर का सब कर लेना अच्छे से। हाँ, थोड़ा हम लोग को भी टेंशन रहता है ना जी, कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्त भी है तो दुश्मन भी है, इतना फेमस हो गया कि दोस्त तो बहुत हो गए लेकिन दुश्मन भी हो गए। उसकी वजह से हम लोग को भी पहचान रहे सब लोग, सब बोलते हैं बेटा कितना अच्छा काम करता है, कितना अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा दिखता है, टोपी पहनता है, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो बोलती मेरी माँ को मेरी दाढ़ी भी पसंद है, मेरी टोपी भी पसंद है, कोई इशू नहीं है। मेरे जैसा हाँ। अभी अम्मी कुछ देर पहले धमकी भी दे रहे थे उन लोगों को। मारती भी हूँ मैं अभी भी, गुस्सा आएगा तो बोलते क्या है बाबा, कर रहा था अभी, कर रहा अभी वो काम कर रहा है तो अच्छे से कर, अच्छा काम कर रहा अभी, क्या जान को भी तो संभालना चाहिए ना। जैसे थोड़ा फेमस होता है तो इंसान पैर खींचने के लिए चालू हो जाते हैं। हमारे सामने बोलते तो मैं तो मुंह तोड़ देती हूँ, मेरा बेटा है मैं छोड़ दिया, तुम लोग का क्या है। हाँ। वो कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है ना। हाँ, जो भी ऐतराज है वो मेरी माँ को होना चाहिए, क्योंकि मैंने धर्म छोड़ा, मैंने इस्लाम अपनाया, इस्लाम में आया, चलो मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया होगा, लेकिन मेरी माँ को ऐतराज होना चाहिए। गलत अगर करता ना, हम लोग कभी भी सपोर्ट में नहीं आते ना, मैं आती ही नहीं कैमरे के सामने, बात नहीं करती थी, मुंह नहीं देखती थी दोनों को, औरत मरत का। अभी पोता हुआ इतने साल बाद करिश्मा तो मिल गया हमको देखने के लिए। हम लोग तरसते थे कि मेरे बेटे को कुछ भी हो, मैं दुआ करते रहती थी भगवान से, कौन से भगवान को नहीं माना है, ये मैं अभी तक ये नहीं कर सकती। सब जगह गई, सब जगह दरगाह भी, देवी बीवी सब जगह उपास विपास सब किया मैंने। लास्ट में उसको भगवान अल्लाह ने करिश्मा हमको दिखा दिया, तो मैं तो मान लिया। मैं तो देखो मेरी अम्मी को यही कहता हूँ, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, माने हम लोग। और एक बात आपको बोलने जा रहा हूँ, अभी सीरियल वाली गोष्ट अपन बोल लेना। तो सीरियल वाली बात से ये आप अंदाजा मत लगाना मैं कोई नाच गाने वाला काम करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इस्लाम का ही करेगा वो, मैं इस्लाम से रिलेटेड करूँगा, प्रचार प्रसार करूंगा, क्योंकि अच्छा धर्म है। हम लोग भी बोलते हाँ बाबा कर, सबको दे, तो जैसा तेरे को अच्छा लगा है ना, किया है ना, अच्छा हो रहा है तेरा, हो गया अपने दम पे सब किया, अच्छा भी हो गया। हम लोग बहुत खुश है अभी सब लोग,
अभी उसके सपोर्ट में ही हम लोग, तुम भी सपोर्ट करो, जो भी कर रहा है उसके साथ में रहो जी। बस तो मेरी माँ हर तरीके से मुझे सपोर्ट करती है, कोई इशू नहीं है नहीं। और जिनकी जलती है मेरे धर्म अपनाने से तो बेफिक्र रहो आप लोग, सब जगह रहता है, हर बाजू आजू बाजू में रहता है, सबको संभाल के लेता है मेरा बेटा। वो शांत है, किसी को उल्टा नहीं बोलता है, किसी को अभी तक बुरा नहीं बोलता है। वो पहले किया किया अभी अच्छा कर रहा है ना, हम लोग पूरे सपोर्ट में सब अक्खा हम लोग तीनों जन। जाते जाते मैं आपको दीन इस्लामिक फिल्मों के बारे में बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को प्रोड्यूसर बनाना चाहता हूँ। देखो मैं किसी के सामने हाथ जोड़ना नहीं चाहता, मैं ये बिल्कुल मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, आज बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ, कोई आम इंसान रहा नहीं, और बड़े काम के लिए आप सबके हाथ आगे आने जरूरी है, सपोर्ट जरूरी है। तो दीन इस्लामिक फिल्में बनाएंगे हम लोग इंशाल्लाह, और मेरी माँ भी इसमें प्रोड्यूसर रहेगी, हाँ उनकी तरफ से भी लागत होगी। और मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्रोड्यूसर बने, भले एक एक रुपया दो दो रुपए से भी, बहुत मतलब भी बहुत बड़ी बात है, बूंद बूंद तालाब भरता है, समझ रहे हैं। हाँ मेरे बेटे को इस्लाम बढ़ाते रहेगा, वो अपना करते रहेगा, हमको भी बहुत खुशी है, मेरे बेटे का बहुत अच्छा हुआ। देखो मम्मी आज ये अल्फाज पहली बार इस्तेमाल कर रहे, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपको क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब मेरी माँ ने मुझे कहा था कि ये इस्लाम ये सब छोड़ दो घर पे आ जाओ, मतलब इस्लाम से मतलब यह बुराई वाली बात नहीं है, बात यह है कि वो चाहते थे कि मैं वापस घर आ जाऊँ, ये सब छोड़ दूँ, साथ में रहूँ, बेटा बहू सब साथ में रहे। तो बोला नहीं मम्मी नहीं जमेगा मेरे को, मैं आप लोग को छोड़ सकता हूँ, मेरे को कितना दुख हुआ होगा सोचो आप ही। हाँ एक दो ही बेटे, दो ही है सोने के जैसा, वो भी एक गया एक है, कभी वो तो काम इंतकाल हो गया ना, ये मेरा भाई है देखो पीछे, 10 साल से मैं फोटो लगी है ना, हाँ। मेरे भाई की फोटो है, सबसे 10 साल से मैं रो रो के निकाली हूँ, दो ही बेटे के ऊपर अभी है मेरी जिंदगी, क्या करेगा, वही कहीं भी सही सलामत रहे, अच्छा से करे, नाम हो बेटे का, बड़ा बने, यही सपना रहता है माँ बाप का, दूर से हो देखे अच्छा लगता है ना। अभी पोता हुआ ना, वही करिश्मा ही है हम लोग के लिए, सबसे बड़ा वही करिश्मा, अल्लाह का करिश्मा। मैं पहले मानती थी सब करके क्या मिला तेरे को, माँ बाप से दूर रह के क्या मिला, बोला नहीं मम्मी मैं बहुत करूँगा, अच्छे से होगा मेरा, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, और हम लोग भी मान लिए, बहुत अच्छा हुआ मेरे बेटे का, बहुत अच्छा किया, बहू अच्छी मिले, बेटा हुआ, बहुत साल बाद हुआ, हम लोग मदी छोड़ दिए थे, क्या होगा मेरे बेटे का, कुछ तो वंश चाहिए, दो दो फ्लैट है, उसको बोली थी वहाँ रहे, मांगता है तो उधर रहे, लेकिन सब छोड़ दे, पहले ही शादी के पहले ही बोली थी मैं, नहीं बोला वो, मैं अभी वो गया उधर, वही करूँगा, मुझे भरोसा था अल्लाह की जात पर, मुझे भरोसा था। इतने बार मैं बोली बेटा कुछ हो ही नहीं रहे, बेटा क्या हुआ, बच्चा बिच्चा कुछ होता है कि नहीं, क्या क्या मिला धर्म अपना के, इस्लाम अपना के क्या मिला, ऐसा बोलती थी मैं, बोले हो मम्मी देखते है होएगा, नहीं तो गोद में ले गए, ऐसा सोचते थे वो। तो अचानक चमत्कार हो गया, अचानक मैं हो गया, मैं तो कभी गई नहीं उसको मिलने तक, नहीं जाती थी ना देखने, और यहाँ तक के बड़े बड़े लोगों ने बोल दिया था कि इनको बच्चा नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब मेरी बीवी को बच्चा नहीं होगा, क्या क्या बोलते हम, क्या क्या नहीं बोलते थे सब। हाँ मेरी माँ तो मुझसे नाराज थी, उसके वजह से ज्यादा नाराज थी, बच्चे बिच्चे ही नहीं हो रहे, क्या फायदा किया तूने सब करके, तो करिश्मा हो गया। तो आपको सारी बात सुननी थी, आपने सुन लिया, और बहुत सारी बातें अब तक रुकी हुई है, मस्जिद मदरसा भी नहीं बना पा रहा हूँ, ये सब भी रुका हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो इतना आसान नहीं होता है सोशल मीडिया पर बोलना, अपनी बात को रखना बहुत मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है, एक बार आप फेमस हो जाते हो, बड़े आदमी बन जाते हो ना, तो इतना आसान नहीं होता है, आपके पीछे भी लोग लगे होते जो आपकी टांग खींचते नीचे लाते, कुछ थोड़ा करने जाएंगे ना वो खींचते रहते हैं, आजू बाजू में आपके भी है ना सब, मालूम है ना, कोई अच्छा कर रहा है तो उसका खींचते रहते टांग, वैसे तो बहुत नाम ही हो गया, इतनी बड़ी बात है हम लोगों को, पैसे का कोई लालच नहीं, वो तो मेहनत करके भी कमा सकता है, मेहनत करने वाले बच्चे हैं सब, मेरा दूसरा भी बेटा ये भी, मेरा पति भी अभी तक मेहनत करते, मेहनत बहुत करते, रात रात भर सोता नहीं है, जाग जाग के सब करते रहता है, कर बेटा मतलब मेहनत करेगा, भगवान ऊपर वाला अल्लाह सब तेरे को दिया देगा, और दे दिया औलाद दे उससे बड़ी बात क्या है।
बहुत एकदम बड़ा करिश्मा होगा, मैं तो मान लिए, सब मान गए, सब बच्चे का मुंह देखे ना सब भूल गए, अगली पिछली बात सब सब बस अभी उसका मुंह देखती हूँ ना, ऐसा लगता है यही है मेरा छोटा लड़का। रोज बोलती हूँ वीडियो कॉल करना, थोड़े दूर रहते तो वीडियो कॉल करता है, देखती हूँ दिन भर अच्छा जाता है मेरा, कभी कभी मिलने आ जाए करो, रात में जाऊँगी मैं, आती हूँ जाती हूँ। हम लोग का क्या है अभी हो गया वो, ये सेठ है बहू यही। तो चलो अलविदा लेते हैं, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना अपना ख्याल, मेरे बेटे को दुआ करो, सलामत रहे, सब जो भी कर रहे अच्छे से हो, जो सीरियल हो क्या कर रहा है क्या नहीं, सीरियल मतलब वही नाच गाना नहीं, गलत मत समझना, यहाँ गलत बहुत जल्दी समझते, अल्लाह का एक दिन इस्लामिक फिल्में लाने वाला हो, इस्लाम का मैसेज दूंगा फिल्म बनाकर, ठीक है, वो भी अल्लाह की राह में ही है, बेशक मैं इस्लाम के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं सोचता करने वाला हूँ, हम लोग भी कुछ भी उसको बिजनेस सब कर डाल के दे सकते है, लेकिन उनको वही करना है, ये मैं किया हूँ वही सबको करूँगा, और अच्छा लगता है कर रहे हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना अपना ख्याल रखना, चलिए बाय, नमस्कार। सच में कितनी अच्छी वीडियो थी, माँ बेटे की वीडियो थी, जो उनकी माँ है तो जो उनका बेटा इस्लाम अपना लिया था, तो जो उनका बेटा तो उनकी जो पूरी फैमिली है वो उनसे गुस्सा हो गए थे उनके बेटे से कि उन्होंने इस्लाम अपना लिया, मतलब दूर हटा दिया था, उनसे बात उतनी कर रहे थे, लेकिन जो उनका बेटा है उनका उनके बेबी नहीं हो रहा था, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उनकी माँ ने हर जगह हर मंदिर में हर दरगाह में जाके मतलब माथा टेका, कई जगहों पे गई और डॉक्टर ने ही मना कर दिया था कि इनके बच्चा नहीं होगा, तो फिर जैसे इन्होंने इस्लाम अपनाया सोचे वैसे चमत्कार हो गए के बच्चा होगा, जिस वजह से जो उनकी फैमिली इनसे गुस्सा थी कि इन्होंने इस्लाम अपना लिया वो सब भूल गए, और वो भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगे कि ये मतलब इनके इस्लाम अपनाते हैं उनके बच्चा होगा, जो यहाँ तक कि डॉक्टर ने ही मना कर दिया था कि इनका बच्चा नहीं हो सकता। सच में बहुत ही अच्छी वीडियो लगी, और इन्होंने बताया कि यह कोई वो खोलेंगे इस्लाम से रिलेटेड मूवी टाइप खोलेंगे, जिससे कि वह यह दीन पूरी दुनिया में फैलाए, तो वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।